क्वेश्चन नंबर 86, 81, 82, 85, 86 सिंगल क्वेश्चन है। ये इधर जा रहा, वहाँ से स्ट्राइक कर रहा, स्ट्राइक करने के बाद कोलिजन जो इलास्टिक है यानी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। स्ट्राइक करने के बाद जो है सिचुएशन कैसी होगी, इसकी जो वेलोसिटी है वो काफ़ी चेंज हो जाएगी और एंगुलर वेलोसिटी जो पहले जैसी ही रहेगी, ओमेगा आर। ओमेगा जो प्योर रोलिंग मोशन थी वी किसके बराबर था, ओमेगा आर के बराबर था। यहाँ पे तो प्योर रोलिंग मोशन है, प्योर रोलिंग मोशन में वी जो है ओमेगा आर के बराबर था, ये किसके बराबर है, वी के बराबर है। तो ये जो क्वेश्चन 85 किया था इसका जो बी पार्ट था क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम हो गया है, ठीक है। ये इधर जा रहा, जब इसकी प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट हो जाएगी तब हमें इसकी वेलोसिटी बतानी है, ये वी डैश कर देते हैं इसको, और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा डैश है। जब इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है, जब इसके अंदर प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट हो जाएगी तब हमने इसकी वी डैश की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, ठीक है। तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसके अबाउट हम क्या करें, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएं, क्योंकि ये इसमें सिर्फ एम जी जो है नीचे एक्ट कर रहा, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड एक्ट कर रही है। इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है 2v वी प्लस ओमेगा आर यानी 2v, वो क्या इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन क्या होगा पीछे की तरफ होगा। टॉर्क इस पॉइंट को पी मान लेते हैं, टॉर्क अबाउट पी जीरो होगा, चाहे वो एम जी की वजह से है, चाहे नॉर्मल रिएक्शन की वजह से है, एफ की वजह से है, इसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। वी का इस डायरेक्शन को लोग डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तो इसका एंगुलर मोमेंटम तो क्या होगा, वी की वजह से, लीनियर मोशन की वजह से एम वी इंटू आर होगा। किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ये किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो माइनस हो जाएगा आई ओमेगा। फाइनली इसका एंगुलर मोमेंटम एम वी डैश, ये जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, प्लस आई ओमेगा डैश इसके बराबर होगा। प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट हो गई है तो वी डैश जो है वो किसका, ओमेगा डैश आर के बराबर होगा। प्योर रोलिंग मोशन स्टार्ट होते ही वी डैश जो है, ये वाला जो पॉइंट है वो क्या होगा, रेस्ट पे आ जाएगा, वी डैश जो है ओमेगा आर के बराबर होगा। एम वी आर आई, आई की वैल्यू किसका, सॉलिड स्फीयर दिया हुआ 2/5 एम आर स्क्वायर, और ओमेगा किसके बराबर है, वी अपोन आर के बराबर है। वी जो है ओमेगा आर के बराबर है, ओमेगा क्या हो जाएगा, वी अपोन आर एम वी डैश आर प्लस आई 2/5 एम आर स्क्वायर, और ओमेगा डैश किसके बराबर होगा, वी डैश अपोन आर के बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी ये कैंसिल हो जाएगा, सब में से एम आर जो है वो कैंसिल हो रहा है, यहाँ तो बचा वी, यहाँ बचा -2/5 V, यहाँ पे बचा वी डैश, यहाँ पे बचा 2/5 V डैश, इधर बचा जो है 3/5 V और इधर बचा 7/5 V डैश। वी डैश की वैल्यू निकालनी है तो वो हमारी किसके बराबर हो जाएगी, जो वी डैश है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 3/7 V के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये 85वां क्वेश्चन था, 85 क्वेश्चन था, उसका बी पार्ट है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन।